रखना। माँ पिता और गुरु इस धरती के भगवान। क्षमा करना, हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा लग सकता है तुम्हें, एक घड़ी तुम मंदिर जाना बंद कर देना, पर माता पिता और गुरु के वचनों से मुकरना बंद मत करना। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है, हम कभी भी इस सिद्धांत पे नहीं जीते हैं कि दुनिया से बुराई मिटनी चाहिए, ना हमारा ऐसा कोई लक्ष्य कि दुनिया से बुराई चली जाए। हम असत्य को भी मिटाना नहीं चाहते, अधर्म को भी मिटाना नहीं चाहते, असोच को भी मिटाना नहीं चाहते, अशुद्धता को भी मिटाना नहीं चाहते। हमारा मानना है कि अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई को पकड़ो, अधर्म को जीरो करना है तो धर्म को पकड़ो, असत्य का मुंह मोड़ना है तो सत्य को पकड़ो, और क्षमा करना। अभी अभी आते आते जहां हम बैठे थे, चाय पी रहे थे तो विचार चल रहे थे, तब हमने किसी को बताया, श्रीमान हमारा एक सिद्धांत है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्या बोल रही हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा, हम क्या कर रहे हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया का आइकॉन अपने हिसाब से, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि सब गुरु दृष्टि से हमको देख रहे हैं। कई लोग बाबा कहते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारी दाढ़ी मूछ है भी नहीं, और होती भी है तो हम 9-10 दिन में उसको काट भी देते हैं, कि लोगों को ये सिद्धांत हो ही ना जाए कि हम कोई बाबा हैं, और महात्मा तो हमें ही नहीं, कोई गुरु तो हमें भी नहीं, कोई मानने लगे ये उसका सिद्धांत, और भगवान या ईश्वर तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो हमें ही नहीं, हम एक इंसान है। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके अपने अपने आइकॉन है, कोई हमें बाबा की दृष्टि से देखता, कोई महंत की दृष्टि से, कोई जादूगर की दृष्टि से। एक व्यक्ति तो और खतरनाक मिले, बोले आपने ऐसा मंत्र सीख रखा है कि पूरी दुनिया को बस में कर लेते हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हमें ये नई उपाधि मिली आपसे। तो कोई इस दृष्टि से भी देखता, जादूगर,